चलो अब पीडीएस में आते हैं। सबसे पहले पीडीएस इतनी बड़ी है ना, पीडीएस खोलते हैं खोले टाइम लग जाता है। तुम उसको छोड़, तो उसका बताओ। ये एक थी तकरीबन 80-85 स्लाइडें थी उसमें, पता नहीं कौन सी वाली अस्सी थी। बीच पचासी इसमें रोम टर्निंग मशीन रोम वाले में तकरीबन तेरे पास होगी 100 से ऊपर है। तेरी खैर, इसमें हाँ है क्या? इसमें भी इतनी है, इसमें भी 80-90 है स्लाइड में, पीडीएस में। पर यार कोई नहीं, एग्जाम्पल करवाई हूँ मैम, तो एक एक स्टेप की ना अलग अलग वीडियो बनेगी, स्लाइड बनेगी। जब खुलने में इतना टाइम ले रही, ये खुल गई। अच्छा अच्छा मैं तुम लोग पहले एक बार पीडीएस होता क्या करूँ स्टार्ट करें ना। कर पीडीएस जो होता है ना, इसको कहते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा, ठीक है। ये हमें ये यूज़ क्यों करनी पड़ी, ये हमें इसलिए यूज़ करनी पड़ी, ये ना फाइनाइट ऑटोमेटा से ज़्यादा पावरफुल है। मतलब कि फाइनाइट ऑटोमेटा हम करते क्या थे कि उसमें सिर्फ एक सिंपल एक रेगुलर एक्सप्रेशन होता था हमारे पास, हमने उसकी एक मशीन बना लेते थे NFA में या DFA में, ठीक है। लेकिन पीडीए क्या करता है, अगर फर्ज करो कोई ऐसी रेगुलर एक्सप्रेशन आ गई इसमें, जैसे मैं दिखाता हूँ यहाँ पर आप लोगों को, ये देखो ये चीज़ ये ऊपर नज़र आ रही है ना आप लोगों इधर पैरों लेके। ये चीज़ ये लैंग्वेज, इस तरह की लैंग्वेज आ गई, ठीक है। जिसे कहते हैं मोर पावरफुल रेगुलर एक्सप्रेशन, जिसमें ए की पावर भी है ना और बी की पावर भी है ना, ठीक है। अब हमें इसमें अगर इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, यानी कि फर्क करो ये क्या चीज़ है, यानी कि अगर जितनी ए है, ये जितने ए होंगे उतने बी होंगे हमारे पास, ठीक हो गया। तो और इस चीज़ को यानी कि हमने अब चेक करना है, इनका कंपैरिजन करना है, इसकी अब मशीन ड्रॉ करनी है, ठीक है। अगर हम इसकी मशीन बनाना चाहें, इसे कहते हैं इनफाइनाइट इनफाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। इनफाइनाइट ऑटोमेटा अगर इसकी मशीन बनाना चाहें तो हम इसको NFA या DFA के ज़रिए नहीं बना सकते इसकी मशीन, ठीक है। और इसको कंपेरिजन करके हम पता नहीं कर सकते भाई ये किस तरीके से बनेगी, लेकिन हम PDS में इसको कर सकते हैं। PDS जो है ये मोर पावरफुल है FA से, और जो टर्निंग मशीन है ना वो PDS से ज़्यादा पावरफुल है। टर्निंग मशीन में हम जैसे ये AN और PN लिखा ना, उसमें हम ए इस ए इसके एक और वेरिएबल, यानी एक और वेरिएबल हमारे पास हो तो हम वो भी हम कर सकते हैं कंपेयर। इसमें दो वेरिएबल्स कंपेयर होते हैं, और इस उसमें टर्निंग मशीन में एक दो से ज़्यादा वेरिएबल भी कंपेयर किए जा सकते हैं, वो इससे ज़्यादा पावरफुल है PDS से, ठीक है। इसकी डेफिनेशन वगैरह मैंने लिखी हुई, मैं ना सेंड कर दूंगा। अच्छा तो अब हम चलते हैं कि यार मेरे यहाँ से बेसिकली MBA जो LM है, ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है ऊपर, AN हाँ BN वेयर N इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसको मेरे यहाँ से CFL भी कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट फ्री हाँ लैंग्वेज। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है ये, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, समझ सही पा रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। अच्छा अब आप हम PDF शुरू करते हैं, फिर ना आप ही साइड पर जाता हूँ, वहाँ से आपको पहले से पहले टपल्स बता देता हूँ इसके ना। अब ये PDF में ना 60 टपल्स होते हैं, ठीक है, जो हम यूज़ करेंगे। जो पहला होता है क्यू, इसे हम कहते हैं सेट ऑफ स्टेट्स, इसमें सारी स्टेट्स आ जाती हैं। दूसरा होता है इनपुट अल्फाबेट्स, ये जो सिग्मा का निशान है, इसमें इनपुट अल्फाबेट्स यानी कि हमारे पास जो टेप होगी ना, जिसे हम कहते हैं इनपुट स्ट्रिंग, इसमें टेप नहीं कहते, हम इनपुट स्ट्रिंग कहते हैं उस चीज़ को। मैं बताता हूँ किस चीज़ को, ये हम इस चीज़ को, ये जो चीज़ बनी हुई है ये वाली, इसको हम कहते हैं इनपुट स्ट्रिंग। ये इनपुट स्ट्रिंग जो होती है, इसे इसमें जो अल्फाबेट्स होते हैं इन्हें कहते हैं इनपुट अल्फाबेट, ठीक हो गया। उसके बाद आगे आ जाता है हमारे पास, ये आ जाती है टो, TV लिखा होता है कहते हैं टो कहते हैं, ठीक है। ये होती है स्टैक अल्फाबेट्स, यानी जो स्टैक जो हम इसमें PDS करते हैं, एक स्टैक हमारी यूज़ होती है जो एज अ मेमोरी के लिए, तो उसके अंदर जो अल्फाबेट जाते हैं उसे हम कहते हैं स्टैक अल्फाबेट्स। वो पुश हम करते हैं, ये मैं दिखाता हूँ, ये जो स्टैक बनी हुई है हमारी, ठीक है। इसके अंदर जो अल्फाबेट जाते हैं यहाँ से निकलते हैं, यहाँ पर जाते हैं कंपेयरिंग के लिए, ठीक है। तो वो कैसे कंपेयरिंग करने को बताऊँगा, तो उस अल्फाबेट्स को हम कहते हैं स्टैक अल्फाबेट।
उसके बाद आता है ये ट्रांजिशन फंक्शंस। और ट्रांजिशन फंक्शंस होते हैं जो अब हम ट्रांजिशन करते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट से, को क्या तो कुछ अल्फाबेट्स की ट्रांजिशन होती हैं, ठीक है। इनके मैंने कहा था ना जो हम स्टैक में अल्फाबेट भेजते हैं, तो वो चीज़ के ट्रांजिशन जो होते हैं उसे हम ट्रांजिशन फंक्शंस कहते हैं। ये आ गया इनिशियल स्टेट, ठीक है, जो जो सबसे पहले वाली स्टेट होती है, ये जी होता है, स्टैक स्टार्ट सिंबल। जब भी स्टैक स्टार्ट होगा ना तो उसके नीचे एक इनिशियल स्टेट रहेगी, जैसे डॉलर का साइन है, इसके जगह आप जेड भी लिख सकते हो, जो जेड यहाँ पे आया, ये वाला जेड, ये आप, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर बताता हूँ, ये देखो यहाँ पर, अब जैसे ये जेड रहेगा, रहेगा हमेशा यहाँ पर, जो डॉलर साइन और जेड हमेशा का रहेगा। अब जो इस पर वैल्यूज हम पुश करते जाएंगे, वो वैल्यू यहाँ इसके ऊपर आती जाएंगी, और जब निकालते जाएंगे तो वैल्यू सारी निकल जाएंगे, और आखिर में जाकर ये इस एरो को कहते हैं टॉप, यानी कि इसको कहते हैं स्टैक हेड, ठीक है, इसको टॉप कहते हैं। ये साथ से चलता जाएगा, बताता जाएगा कि पहले कहाँ पे होगा फिर कहाँ पर जाएगा। ये देखो पहले बता रहा है कि यहाँ पे सबसे ऊपर था, अब जब हम एक निकल गया तो यहाँ पे आ गया, ठीक है, अब जब ये वाला निकल गया तो उसके बाद ये और नीचे आ गया, तो ये भी किस तरीके से हल करेंगे हम देखेंगे। उसके बाद आखिर में आ जाती है एफ, इसे कहते हैं एक्सेप्ट स्टेट या फाइनल स्टेट। अब कुछ जो होते हैं ना हमारे पास लैंग्वेजेस, जैसे मैं कॉन्ट्रेक्चुअल लैंग्वेजेस थी, वो चले फाइनल स्टेट तक चले जाती हैं, यानी कि मैं दिखाता हूँ, जैसे कि ये थी ना, ये हो रही थी, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे देखो ये फाइनल स्टेट तक चले गई, ये एक्सेप्ट हो गई, या आखिर तक आ गई, मतलब कि इसमें ये प्रूव्ड हो गई, यानी कि ये कंपेयर्ड हो चुकी है, प्रूव्ड हो गई, इस वजह एक्सेप्ट हो गई, फाइनल स्टेट तक होंगी। अब जो प्रूव नहीं होती, एक्सेप्ट नहीं होती, वो फिर दरमियान में रह जाए, उसे हम कहते हैं रिजेक्ट, वो ऊपर होंगी। एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ, एक एग्जाम्पल यहाँ पे रिजेक्ट होती है, ये देखो। अब यहाँ पर इनपुट थी ए ए बी, ठीक है, अब हमने कंपेयरिंग करनी थी, जितने ए उतने बीज होने चाहिए। अब पहला ए हो गया, दूसरा ए हो गया, अब उसके बाद जितने बीज आते रहेंगे उसके हिसाब से हम एक को हम खत्म करते रहते हैं इसके अंदर से, उसके बाद जितने बीज आएंगे। अब एक बी आया था, हमने यहाँ से एक खत्म कर दिया, अब उसके बाद हमारे पास कोई बी आया ही नहीं, तो यहाँ से आके हमारे पास ना ही कोई नल स्टेज थी जिसमें हम नल पे चले जाएं, ना ही हमारे पास कोई ए था जिसके से हम बी था जिससे हम ए को खत्म करते जाएं, तो ये रिजेक्ट हो गई, तो इस तरह रिजेक्ट हो सकती है, फिर फाइनल स्टेट नहीं आती। इसलिए फाइनल स्टेट जब आएगी तब हम कहेंगे एक्सेप्ट, जब फाइनल स्टेट नहीं आती यानी कि वो फाइनल तक नहीं पहुंचे तो हम कहते हैं कि वहीं पर रिजेक्ट हो गई। अच्छा, अब हम इसके क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन से आने से पहले ना पहले ये चीज़ भी आपने सीख पढ़ लो, जब हम क्यू वन से क्यू टू पर जाएंगे ना तो उसका जो पहला, इस तरीके से हम लिखते हैं, उसका पहला अल्फाबेट होता है उसे हम कहते हैं इनपुट सिंबल, दूसरा अल्फाबेट जो होता है उसे हम कहते हैं पॉप सिंबल, तीसरा अल्फाबेट होता है पुश सिंबल। इनपुट सिंबल वो जो हम उस इनपुट जो बनी होती है हमारी स्ट्रिंग उसमें से हम लेके आते हैं पहला, ठीक है। दूसरा होता है पॉप सिंबल, यानी कि वो है सिंबल होता है जो हमारे स्टैक में मौजूद होता है उस टाइम जो टॉप ऑफ द हेड है, यानी कि ये जो टॉप होती है, ये हेड होती है स्टैक हेड, जिस पॉइंटर पे यहाँ पे जहाँ पे शो कर रहा होगा ना जिस टाइम, उस टाइम वो जो अल्फाबेट होगा वो आएगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद सी पी आएगा पुश अल्फाबेट, वो वाला पुश अल्फाबेट है कि हम इन दोनों को कंपैरिजन करते हुए देखेंगे कि हमें इनपुट वाला अल्फाबेट पुश करना है या पॉप वाला ही अल्फाबेट दोबारा पुश कर देना है, वो हम मशीन को देखते हुए यानी कि उस रेगुलर स्पेशन को देखते हुए हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि हमने यहाँ पे पुश क्या करना है। अब यानी हम कि तेरे कहने का ये मतलब है, जब एक स्टेप जब हाँ परफॉर्म होगा तो उसमें ये तीन चीज़ें परफॉर्म करेंगी, यानी कि एक इनपुट सिंबल होगा, इनपुट सिंबल के साथ साथ पॉप वाला सिंबल भी होगा, हाँ, और पॉप जो वाले उसका सिंबल, पॉप वो वाला सिंबल आएगा जो उस टाइम स्टैक के अंदर मौजूद होगा टॉप पे, ठीक है। यानी कि अभी देखो जैसे टॉप पे जी है तो इस टाइम फिर जी आ जाएगा, हमेशा जब भी स्टार्ट होगा तो हमेशा पहले जी ही आएगा, उस पर यहाँ पे अगर फर्क जीरो डाल आ गया तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा टॉप पे, फिर और जीरो आ गया तो और जीरो टॉप पे आ गया, इस तरीके। उस पर अगर नेक्स्ट होगा पुश पे, पुश वाला तब होगा इस्तेमाल जब फर्स्ट का जब मैंने जीरो डाला था ना, अब यहाँ पे जेड आ गया, ठीक है, और यहाँ पे जीरो आ जाएगा, यानी कि आप, मैं क्या बता रहा हूँ कि आप इस सेट की जगह पे जीरो आ जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं भाई आप यहाँ पे अगर फटाफट नेक्स्ट मारी आ गई ट्रांजिशन में, यहाँ पे जीरो है, मैं चाहता हूँ जीरो ही रहे, फिर मैं यहाँ पे जीरो ही रहने दूंगा, यहाँ पे फर्स्ट करो वन आ रहा तो मैं यहाँ पे जीरो ही रहने दूंगा, अगर मैं वन, अगर मुझे वन चाहिए तो मैं वहाँ पे वन ले आऊँगा, वो फिर हम कंडीशन के मुताबिक देखेंगे। तो हम आते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ, आगे तो इतनी चीज़ें ज़रूरी नहीं है, ये मैंने आपको बता दी, इसको इनपुट स्ट्रिंग कहते हैं, ये स्टैक होती है, ये टॉप होता है जो आपको शो करवाता है।
इसके बाद हम आते हैं। अच्छा, और एक और चीज़, पीडीएस जो है वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, और ये यूनिडायरेक्शनल है, यानी यूनिडायरेक्शनल मतलब कि ये इस तरह सीधा जाती जाएगी, लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है, पीछे की तरफ नहीं वापस आ सकते, यानी राइट से पीछे की तरफ नहीं आ सकते, ठीक है, लेकिन टर्निंग मशीन में हम राइट से पीछे वापस बैक आ सकते हैं, वो बाई डायरेक्शनल है, और वो है डिटर्मिनिस्टिक। नॉन डिटर्मिनिस्टिक से मतलब यानी कि इसमें नल चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, ये नल जो होता है सिस्टम यूज हो जाएगा, ठीक है, लेकिन डिटर्मिनिस्टिक में जब वो उसमें हम नल नहीं यूज़ करेंगे, उसमें नल यूज़ ही नहीं होगा, वो देखेंगे कैसे है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इससे ज़्यादा पावरफुल है, वो हम देखेंगे बाद में। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है, यानी कि मैम हमेशा की ना हाँ लैंग्वेज लैंग्वेज देंगी हम, रहेंगी हाँ और मैम लैंग्वेज देंगी। अच्छा, जब कहेंगी हमने कि इसको पेपर में सॉल्व करना होगा तो हमें स्टेप बाय स्टेप ही क्रिएट करनी है ये देखो मैम ने इकट्ठी बना दिया ना, ये हमें इकट्ठी बनाई हुई है इसकी, लेकिन हम पेपर में स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले इसमें से हम क्या लेके आए हैं, फिर क्या लेके आए हैं, फिर क्या, तो वो चीज़। तो अब हम करते हैं, अच्छा अब ये लैंग्वेज है हमारे पास, ठीक है, अब देखना है, अब यहाँ पर स्टैक बनाया है मैम ने, तो देखते हैं। यहाँ पर ये वही बात बताई है कि जो पहला अल्फाबेट ये दूसरा अल्फाबेट है पुश के लिए इस्तेमाल हो गया, यानी कि यहाँ पे नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको रैम। चलो ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारी एग्जाम्पल। अब मैम ने हमें बताई थी, ये वाली दी थी हमें, ये वाली हमें लैंग्वेज दी थी, ठीक है, फर्स्ट कर ली। अब इस लैंग्वेज को हम खोल के लिखते हैं तो क्या बनता है, इस लैंग्वेज खोल के लिखते हैं तो बनता है हमारे पास ए की पावर एन और बी की पावर एन है, ठीक है, फर्स्ट अगर हम एन अगर वन रखते हैं तो ए और बी बनेगा, ठीक है, अगर हम ए की जगह क्या नाम है एन की जगह टू रखते हैं तो इसका मतलब कि ए डबल ए और डबल बी बनेगा हमारे पास, ठीक हो गया, तो गया कोई गया। ठीक है, यानी कि डबल, यानी कि अगर मैं ए की जगह तीन ही आएंगे तो मतलब कि तीन ही बी आएंगे हमारे पास, ठीक है, तो हम खुद से एक लैंग्वेज एग्ज्यूम कर लेंगे, मैंने एक खुद से लैंग्वेज एग्ज्यूम कर ली कि हमारे पास ये चीज़ है, और इसकी मैंने बना दी इनपुट स्ट्रिंग, बना दी इस तरीके से, ठीक हो गया, इस तरीके से मैंने इसकी इनपुट स्ट्रिंग बना ओ दी, वाह, यानी और कि मैं इधर बताता हूँ, मैं इस इधर थोड़ा लैंग्वेज सा में देखिए। कंसेप्ट हाँ क्लियर करता हूँ। बेसिकली यहाँ पर ए एन है, बी एन है, ठीक है। अब इससे हमारे पास एक लैंग्वेज जनरेट होगी। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एन वन होगा, एन इज इक्वल टू वन होगा, तो एक दफ़ा ए आएगा, एक दफ़ा बी आएगा, ठीक है। ये हमारे पास एक स्ट्रिंग आ गई ए बी। अगर हमारे पास एन टू होगा तो हमारे पास आएगा ए ए बी बी, ये हमारे पास ए ए बी यानी की एक सिंपल बात है, स्ट्रिंग आ गई। जितने दफा ए है उतनी दफा बी आएंगे हमारे पास, ठीक है, तो अब ये यानी कि हमने, जो भी हमने मशीन बनानी है वो ऐसी मशीन होनी चाहिए कि अगर हमारे एन टाइम ए आ रहे हैं तो एन टाइम बी भी आए, अगर 10 दफा ए आ रहे हैं तो 10 दफा बी आए, ठीक है, इस तरीके की मशीन बनानी होनी चाहिए, ठीक है, वो चेक करे। अब वैसे तो सिंपल हमें देखने में पता चल रहा है कि भाई हमारे पास तीन ए तीन बी आ रहे हैं, लेकिन मशीन अब चेक करके बताएगी कि क्या ये लैंग्वेज जो हमने ट्रिपल ए ट्रिपल ई बी की बनाई है वो हर नंबर पे इंक्लूड होती है, हर नंबर पे काम करती है, हम लैंग्वेज तो इसको देखते हुए बनाएंगे इन तीन ए, हम तो दो ए से बना सकते थे, ये दो ए से बना सकते थे, लेकिन हम हम तीन एक ए से ले ले ताकि आप लोगों की और आसानी के लिए, ज्यादा, ठीक है। हाँ, हाँ, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब तीन ए और तीन बी से जो लैंग्वेज बनाएंगे उसको हम जब हम चार ए भी रखते हैं ना, तब तब चार ए भी रखेंगे तो उसकी भी वैलिड होगी, चार ए और चार बी भी वैलिड होगी, ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब अभी देखो, अब हम करंट स्टेट है हमारी क्यू नॉट, क्यू नॉट हमारी करंट स्टेट है, अब क्यू नॉट पे हमारे पे करंट स्टेट पे
हमेशा शुरू शुरू में क्या नाम है, एम्प्टी स्टेट होगी। देखो यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं, एम्प्टी है ठीक है, और यहाँ पे भी हम एम्प्टी, यानी कि ये हमने एक्स्ट्रा ले लिया। वैसे मैम ही ना भी लेती है तो यहाँ से टेस्ट स्टार्ट कर सकते थे इसको, इसके ऊपर से ये वैसे ही एम्प्टी एम्प्टी ले ली ठीक है। तो अगर नहीं हम मैं बताऊँ यहाँ इसको पे क्यों लिया मैम ने, इसलिए लिया कि ये बेसिकली मेरे पास नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। हाँ बताने के लिए, ये भी हो सकता है कि तो बताने के लिए कि भाई आप यहाँ पे एम्प्टी एम्प्टी ले सकते हो ठीक है, तो लेकिन ज़रूरी नहीं था। लेकिन अब मैं तो आपको बताता हूँ कहाँ होगा क्या। अब देखो, अब हमारा पहला आ गया हेड यहाँ पे ठीक है, इसका अभी यहाँ पे हमारे पास क्या ए है। अच्छा अब इसकी कंडीशन हमारे पास क्या होगी, कंडीशन ये होगी कि जितने हमारे पास ए आए उतने हमारे पास बी जो है कैंसिल होने चाहिए। यानी कि जितने मैं इसमें ए दाखिल करता जाऊँगा ना इसमें ठीक है, अब जब बी की बारी आएगी तो उतने, जब बी की बारी आएगी तो पी क्या करेंगे, जैसे बी आएगा तो हम क्या करेंगे यहाँ में से इसमें से ए निकालते जाएंगे ठीक है। जैसे ए निकालते जाएंगे जब यहाँ से ए खत्म हो गया इस मतलब कि बी भी खत्म हो जाना चाहिए, और फिर हम देखेंगे क्या बी खत्म हो गए, पी खत्म हो गए इस मतलब कि बी भी उतने नंबर ही थे जितने ए थे, तो हमारी ये मशीन ट्रू हो जाएगी ठीक है, ये हमारी लॉजिक होगी। अब फर्ज करो मैं कि यहाँ पर ये बना लिया मैंने क्यू नॉट ठीक हो गया ठीक है। अब इसके ऊपर अब हमने क्या करना है, इस ए को इसके अंदर पुश करना है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे इस पे ऐसे करेंगे ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे ए ठीक है, और कोमा, ये ए क्या था इनपुट, मैंने कहा था ना पहला वाला इनपुट होगा, ये इनपुट से हमने ए ले लिया। अब इस पर स्टैक में हमारे पास हेड में क्या पड़ा हुआ है, ये जेड है, इसको हम जेड भी कह सकते हैं ठीक है। मैंने कहा था यहाँ पे आ गया हमारे पास जेड, और मैंने कहा था फिर एरो लगेगा। और अब हमने जो चीज़ पुश करनी है, पुश क्या करना है, हमने ए पुश करना है, तो हमारे पास आ गया ए, तो ए पुश किया हमारे पास यहाँ पे आ गया ए, और यहाँ पर हमारे पास अब हेड मारा हो गया यहाँ पर ठीक है, यहाँ से समझ आ गई। हाँ जी, हाँ उसके बाद अब हम करेंगे आगे आगे नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये होगा कि वो दोबारा क्या करेगा, वो ए पे जाएगा ठीक है। तो दोबारा जब वो ए पे जाएगा तो हाँ उस टाइम क्या होगा कि अब जो दोबारा ए पे जाएगा ना, हम वही वाली जो स्टेज लिखी वो यहाँ पे यहीं पे लिख देंगे, इसी के ऊपर लिख देंगे, इसी के ऊपर ही स्टेज लिख देंगे। अब क्या होगा कि दोबारा ए जाएगा यहाँ से हमें ए मिला, अब ये वाला ख़त्म हो जाएगा हेड, इसको हम यहाँ से खत्म करते ठीक है। अब हमारा यहाँ पे आ गया ये वाला, अब यहाँ पे ये वाला ए हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब इस बार हमारे पास जो हेड है वो है इधर इस वाले ए पे, तो हमारा यहाँ पे भी ए आ गया ठीक है। और हमारा हमने पुश करना क्या है, ए पुश करना है, ए पुश आ गया ठीक हो गया। मतलब कि ये वाला इनपुट ये वाला ए आ गया, ये वाला ए हमारे पास आ गया जिस पे हेड था, और हमने पुश कर क्या यही वाला इनपुट पुश किया हमने ठीक है, यहाँ पे हमारा पुश हो गया और यहाँ पे हमारा ए आ गया। अब यहाँ पे हमारा ये हेड खत्म, और अब यहाँ पे हमारा हेड आ गया यार ठीक हो मोहम्मद, गया। इधर क्वेश्चन मेरा ये है कि हमने उसी स्टेट के ऊपर क्यों हमने उसको वापस डाल दिया? ऊपर ए जो हमने दूसरी बनाया है, दूसरी जो कंडीशन बनाई है, उसको उसी स्टेट के ऊपर क्यों लिखा है हमने? इसलिए ये कि जब तक हमारे पास न्यू स्टेट नहीं आ जाती, न्यू वेरिएबल नहीं आ जाता ठीक है, हाँ अच्छा जब तक हमारे पास न्यू वेरिएबल नहीं आ जाता तो हम तब तक उसी स्टेट पे ही रहेंगे ठीक है। इस अच्छा नीचे वाले अच्छा स्टेट को बचकर ना देखो ठीक है, ये भी ठीक है, मैपेबिलिटी भी ठीक है, लेकिन जहाँ से जब जिस तरीके से मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ ना, वो आपको और ज़्यादा आसान होगा अब आप लोगों के लिए बनाने ठीक है। तो हाँ ये भी वैसे ही बनाइए मैम, लेकिन मैम ने इसको ना थोड़ा सा उस तरीके, लेकिन आगे जाकर ना मैम ने एग्जाम्पल को इस तरीके से भी बनाया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है, ये पता नहीं मैम ने किस तरीके का कौन से एग्जाम्पल दे के कैसे बना लिया, लेकिन मैम ने आगे जाके बिल्कुल एक अच्छी बड़ी इस तरह भी एग्जाम्पल बनाई हुई है, जिस तरीके से सही तरीके से सॉल्व होते हैं क्वेश्चन, वो यही क्वेश्चन ठीक है। उसके बाद अब हमारा ये दो ए चले गए, अब हमारे पास तीसरे पे हेड आ गया ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला भी ये हो गया, अब हमारे पास ये आ गया तीसरे पे हेड ठीक है, तीसरे पे हेड आया तो फिर यही चल पड़ेगी ठीक। अब हमें बनाने की जरूरत नहीं है और कंडीशन, क्यों, क्योंकि जैसे तीसरे पे ये आएगा वो तो यही वाली कंडीशन जो चला देगा ठीक हो गया। तो इसलिए फिर यहाँ पर भी हमारे पास एक और ए आ इसी कंडीशन को देखते हैं।
और अब हमारा जो हेड है, अब हमारा जो हेड है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा अब ये वाला हेड भी यहाँ पे खत्म, पर अब यहाँ पे हेड चल गया बी। अब जैसे बी पे क्या है ना, अब हमारा क्या कंडीशन, अब हमारी कंडीशन ये थी कि जैसे ये बी पे जाए तो क्या करे, यहाँ से ए को खत्म करता जाए, फिर हमें पता चल जाए कि भाई हमारे जितने ए थे उतने बी थे, ठीक है ना, समझ गए ना ये कंडीशन हमारी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन बनाएंगे, ये क्यू नॉट से जाएगा एक और क्यू टू पर, क्यू वन पर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास बी आ रहा है हमारे पास, ठीक है, यहाँ से ऊपर से इनपुट से बी आया हमारे पास, ये वाला बी आ गया। अब इस टाइम हमारे इनपुट का पास, भी आ गया, इस टाइम यहाँ पर हाँ, हेड ए है। इस बार हमारे पास स्टैक में क्या पड़ा, ए पड़ा हुआ, तो हम यहाँ पे क्या किया, ए आ गया, ठीक है। और और हमने हमें, अब हमें पॉप कर देना है, अगर हमें बी मिल गया और ए हमारे पास मिल गया, ठीक है, यानी कि हमें यहाँ से इनपुट बी मिल गई, ठीक हो गया, और हमें यहाँ से स्टैक से ए मिल गया, तो अब हमने यहाँ से ए को क्या कर देना है, पॉप कर देना है। पॉप करा देना है जब हम पे पॉप हो गए यहाँ से, तो यहाँ पे क्या रह गया, खाली यहाँ लैम्डा, पर। लैम्डा हाँ रह गया, लैम्डा तो रह गुड। हमने यहाँ पे लैम्डा लगा दी। अब यहाँ पर क्या है, ये हो गया खत्म, ठीक है, यहाँ पे आ गया लैम्डा, अभी हेड नीचे आ जाएगा खुद ही, खुद तो नहीं आएगा, करना हो पड़ेगा गया हमें, ये आ गया, ठीक है। ये कहाँ से कंडीशन समझ आ गई कि जैसे यहाँ पे बी आया तो क्या हुआ, ये वो यहाँ से मैं बी लिया और यहाँ से मैं ए, जैसे अगर हमें यहाँ से बी मिल गया और यहाँ से मैं ए मिल गया, तो उसने क्या कर दिया, वहाँ से पॉप किया और यहाँ पे आ गया लैम्डा, ठीक है, क्योंकि इस टाइम हमारे कुछ नहीं था। अब हम नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे, तो नेक्स्ट पे जाएंगे, अब हम फाइनल की तरफ जा रहे हैं, तो इस बार इस तरफ हम यहाँ नेक्स्ट पे गए। अब यहाँ नेक्स्ट पे गए, यहाँ पे भी कोई यही सेम कंडीशन हम यहाँ पे लिख देंगे, ये वाला हेड यहाँ से खत्म हो गए, यहाँ पे आ गए, अब यहाँ पे भी वही सेम लिखेंगे, बी ए, यहाँ से हमें बी मिल गया, यहाँ से हमें ए भी मिल गया, और हमें क्या आ गया, यहाँ पे लैम्डा आ गया, यहाँ से ए भी खत्म हो गया, ठीक हो गया, अभी हो गया खत्म खत्म, यहाँ से भी हेड, अब हेड आ गया यहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ से हम एक और ट्रांजिशन लेंगे और क्यू फाइनल तक लेके जाएंगे, हो गया। इसके क्यू एफ भी कह सकते हो, क्यू यानी कि सी भी लिख सकते हो, या हम इस तरह से डबल बना सकते हैं, अच्छा क्यू एफ। अच्छा अब देखो, अब यहाँ ये चीज़ भी हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब जब तीसरी दफ़ा होगा ना, जब तीसरी दफ़ा यहाँ पे बी बी लेने बी लेके आएगा वो, जब यहाँ से ये वाला हेड खत्म हो, यहाँ पे तीसरी दफ़ा बी, तब वो इसी कंडीशन पे चलेगा, हमें यहाँ पे और कंडीशन बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेम कंडीशन चल रही है, तो हमें इसलिए यहाँ पे और कंडीशन बनाने की जरूरत नहीं है हमें। तो इसी स्टेज पे, इसी पे आया, तो उसने देखा बी मिल गया हमें, हाँ ए मिल गया हमें, हाँ, और लैम्डा, और यहाँ से ए भी खत्म हो गया। अब वो दोबारा से हेड कहाँ पे आ गया, अपनी असली जगह पे आ गए, यहाँ पे जी के पास आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर, अब जी के पास आ गए, अब हमारी बन जानी है एक्सेप्ट स्टेट, जिसे कहते हैं फाइनल स्टेट, वो कैसे बनाते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे क्या पड़ा है, अब यहाँ पे हम अब मैं देखो, बताता हूँ तो क्या होगा। अब हमारे पास जो अब एरो जो है वो अब बी एरो से यहाँ आगे भी आ चल गया, अब जाएगा। एरो यहाँ भी बाहर आ गया, हाँ वो ठीक एम्प्टी है, है। अब एम्प्टी जगह पे आ गया, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, इनपुट वाली जगह पे एरो लैम्डा आ जाएगा, यानी कि एम्प्टी कोमा, और हमारे पास स्टैक यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, जी पड़ा हुआ है, जी और हमारी हमने क्या पुश करना है, जी ही पुश करना है, कुछ क्योंकि कुछ और तो है नहीं, जी ही पुश किया, और हमारा ये बार गई, इसे कहते हैं एक्सेप्ट स्टेट, यानी कि हमारी ये मशीन दुरुस्त थी। अच्छा ये हमारी दुरुस्त है मशीन, ये हमने बनाई है 3A और 3B के लिए, अगर यहाँ पे फर्क करो 4A आ जाए और 4 ही B आ जाए, चलो 5A कर लेते हैं, ठीक है, 5A और 5B हो, अब हम करते हैं इसको, इसके ऊपर चला कर देखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास पहला ए आया, ये वाली चल पड़ी, ए यहाँ पे जी था और यहाँ पे ए आ गया, दूसरा ए आया तो यहाँ पे ए ए ए, यहाँ पे एक और ए आ गया, अब तीसरा आया यहाँ पे फिर यही वाली चली, तीसरा भी ए आ गया, चौथा ए आया यहाँ पे फिर यही चली, चौथा ए आ गया, पांचवा आया यहाँ फिर चली 5A, अब यहाँ पे हमारे पास 5A हो जाएंगे, ठीक है, हो गया। उसके बाद अब वो, अब उसके बाद बी आने शुरू हुए, अब बी आया तो ये बी, और अगर हमारे पास ए था कैंसिल हुआ और यहाँ पे लैम्डा आ गया, फिर हमारे पास बी आया, फिर बी, फिर ए था हमारे पास लैम्डा आ गया, फिर बी आया, फिर ए था हमारे पास, 3B हो गए अभी तक,
वी पे चौथा गया, पांचवी पे पांचवा, ये खत्म हो गया यहाँ से। उस पर हमारे पास ये कंडीशन दोबारा से ट्रू हो गई और हमारी एक्सेप्टेड बन गई। अब मैंने खास समझ आ गई सारी चीज़ की, कोई चीज़ अगर अच्छा, पूछनी है तो इधर पूछ लो। एक और चीज हम इंक्लूड कर देते हैं, बाकी बच्चों को समझ लग जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर इस तरह जाता है ना कि सेंटर में, अगर चलो स्टार्टिंग भी ए से हो रहा है और सेंटर में बी है और एंडिंग भी ए से हो रहा है, ठीक है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल शुरू में चार ए हैं, सेंटर में चार बी हैं और एंड पे फिर चार ए हैं, फिर एंड पे चार बी हैं, अगर इस तरह का भी आता है ना, तो टेंशन लेने वाली बात कोई नहीं है, सेम मेथड यही यूज होगा, ऐसे ही है ना। हाँ यही बनेगा। और मैं एक बात बताता हूँ, जो तूने बात की है वो इस जो हमारे पास जो फार्मूला है ना, ये वाला जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज के तहत वो चीज़ बन भी सकती इस लैंग्वेज के तहत। हाँ इस वो हाँ लैंग्वेज के तहत वो है हाँ आखिर में हमारे पास बी ही होने चाहिए यही और हाँ शुरू वो में हमारे पास इस ए ही होने हाँ चाहिए, ठीक हाँ है। वो इस लैंग्वेज के तहत नहीं बन सकता। इस लैंग्वेज के तहत जो फाद बात करता, फाद कहता है यानी कि यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर ए आ गया और बी भी आ गया और फिर से ए आ गया और फिर से क्या नाम है बी बी आ गई, क्योंकि बात फिर वही है, ठीक है। क्या नाम है, ये चीज़ बन नहीं सकती, क्यों? क्योंकि हमारे पास शुरू में जितने ए आते हैं आने हैं, आखिर में बी ही आने हैं, बस दरमियान में कोई ऐसा चक्कर नहीं होगा। इसलिए ये हमारे पास लैंग्वेज वो फिर यहाँ इस वाली स्टेज पे आके वो रिजेक्ट कर देगी, यहाँ पे कोई ना कोई आके रिजेक्ट हो जाना ये वाली लैंग्वेज, ठीक है। चलो आप इसको करते थोड़ा सफाई करें, मेरा समझ आ गई इस चीज़। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं, वो हम मददस्ती देखेंगे यहाँ से निकलने को। इधर एक और बात ये है कि हमेशा जो ये पीडीए है ना, वो हमेशा इनफिनाइट लैंग्वेज पे ही होगा। अगर फिनाइट लैंग्वेज होगा उसके ऊपर ये चीज चल ही नहीं सकती, ऐसा ही है। फाइनाइट फाइनाइट पे भी चल सकती है, ये दोनों के लिए काम करती है। पीडीएस फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों के लिए चलती है। अब फाइनाइट क्या है, फर्क करो मेरे पास है ए का स्टडी नहीं के, यार, मेरे यहाँ से देना, अब मैं बताता मैं हूँ। ही नहीं बताने नहीं लगा। देखो मैं अभी आगे एक एग्जांपल होगी। अब ए का स्टडी के क्या है, फाइनाइट है ना हमारे पास, ए की लूप है। अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ए आ सकता है, ए आ सकता है, ए आ सकता है, ठीक है। अब हम इसकी बना ही सकते हैं, अब मैंने बनाया है क्यू नॉट बनाया, ठीक है। अब हम इसको अगर क्या ये करेंगे, तेरा ये पहले हमारे पास ए आ गया, जेड आ गया, उसके बाद हमारे पास आ गया ए है। मगर ये तेरे पास इनफिनाइट है ना, फिनाइट तो है ही नहीं, क्योंकि ए के ऊपर स्टार है, तो तुझे नहीं पता कि भाई कितनी दफा जो है वो ये आना हमारे पास, ये यार चीज भी हमें मशीन ने पता नहीं। ये वाली जो स्टार वाली चीज़ें हैं ना, ये फाइनाइट में भी होती हैं, ठीक है। इन चीज़ों को हम बना सकते हैं, ठीक है, इसको हम फाइनाइट भी कहते हैं। मतलब मैं सही कह रहा हूँ कि, लेकिन जितना मेरा ख्याल है, लेकिन जो मैंने पढ़ा है ना उसमें था कि भाई हम पीडीएफ को फाइनाइट भी बना सकते हैं, इनफाइनाइट भी बना सकते हैं। अच्छा हाँ बस ये याद रखना, अगर आ गया कोई एमसीक्यू में, बस इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बस ये समझ लो कि पीडीएफ फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों के लिए काम करेगी। अच्छा आगे अब यही वो, अच्छा ये वही एग्जांपल आ रही है, ये मैंने पहले ये नल चलाया, उसके बाद मैम ये चलाएगी, अब मैम यहीं पे रहेगी। देखो यहाँ पर टाइम टू है ना, अब ए के चला गया, अब टाइम थ्री पे दूसरा ही आ गया, टाइम फोर पे तीसरा ही आ गया, मैम यहीं पे रह रही है। और मैम ने ये देखो क्या बनाया हुआ, लैम्डा ही बनाया हुआ यहाँ पर, जबकि यहाँ पर लैम्डा नहीं, यहाँ पे हमें ए चाहिए था। अब यहाँ पे देखो, अब बी ए निकला और लैम्डा आ गया, वही 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 चीज़ जो मैंने बनाई थी यहाँ पर। ए के ही निकल गया टाइम सिक्स पे, देखो दूसरा ही निकल गया टाइम सेवन पे, तीसरा ही निकल गया, और उसके बाद हमारे पास एक्सेप्ट स्टेट आ गया। अच्छा और यहाँ पे देखा था ऑल द स्ट्रीम इनपुट इज कंज्यूम, तो उसको हम कहते हैं एक्सेप्ट स्टेट, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन समझ लो। उसके बाद आगे रिजेक्ट स्टेट कैसे होगी, अब ये देखो ये ए ए बी है, अब ये रिजेक्ट स्टेट है। अभी कैसे रिजेक्ट है, क्योंकि एक टाइम पे ए आ गया, देखो ए बन गया, अब ये देखो बी, फिर यहाँ पे ए और ए आ गया, अब बी आया, तो यहाँ पे दो हमारे पास मान के आने थे, वो अब यहाँ पर पहली दफ़ा ए आया तो वापस ए आ गया, दूसरी दफ़ा ए आ गया, दूसरी दफ़ा ए आ गया, ये दो ए आ गए, अब बी आया, अब बी आया तो ए के ख़त्म हो गया, अब दूसरा तो ख़त्म ही होगा, ठीक है, वो यहीं पर कहीं यहीं पर फंस जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फंस गया तो यहाँ पे आ जाएगी रिजेक्ट स्टेट, ये भाई ये फंस गया यहीं, तो ये नहीं हो सकता, ये लैंग्वेज गलत है। यानी कि ये लैंग्वेज जिस फार्मूला से निकली है वो फार्मूला
इनफाइनाइट में गलत है। अभी देखना ये देखो, और यहाँ पे रिजेक्ट आ गया, यहाँ पे लिख के मैम ने रिजेक्ट हो। अब आगे एक और एग्जांपल है, ये एग्जांपल है कि पी ए ए बी की बनानी है, ठीक है। इसमें है कि हमारे पास ये, अब हमारे पास तो कहते हैं इसको कहते हैं पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम लैंग्वेज है हाँ ये पैलिंड्रोम में बात के डब्ल्यू से मिला होता है स्ट्रिंग का, इस डब्ल्यू से मिला स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। हाँ और हाँ इस डब्ल्यू से हम यानी कि लिखेंगे। हाँ यानी कि अगर हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हैं, जैसे बी ए और ए बी, दो स्ट्रिंग्स हैं, तो ये इसको दो रिवर्स पढ़ स्ट्रिंग लो तभी बी ए ए बी बनेगा। इसको अगर सीधा पढ़ लो फिर बी ए ए बी बनेगा। इसको भी ये दो स्ट्रिंग्स है हमारे पास, ठीक है, कोमा लगा के बता रहे हैं ए बी ए और ए बी ए। इसको सीधा पढ़ लो, उल्टा पढ़ लो, वही बनेगा। और इस ट्री में कितने अल्फाबेट यूज हुए हैं, इसको कहते हैं इस ट्री में कितने अल्फाबेट यूज हो रहे हैं, लॉन्ग ए और बी, और कितनी दफ़ा हो रहे हैं, इनफाइनाइट। यहाँ पे आ गया स्टेरिक, ये वो चीज़ बता रही बयान कर रही। अच्छा अभी अगर उन्होंने कहा अगर इस तरह का कोई चीज़ आती है, फॉर बी ए ए बी, तो हम इसको किस तरीके से हम पीडीएफ में कर सकते हैं। पीडीएफ में कैसे करेंगे हम इस चीज़ को, हम क्या करेंगे, अब इसकी हम लॉजिक बनाएंगे पहले। तो लॉजिक क्या होगी, फर्स्ट करो हम देखते हैं जो क्वेश्चन है, ओके क्वेश्चन में हमारे पास बी ए ए बी आ रहा है, ये हमें क्वेश्चन में ए बी ए बी मिल रहा है, ठीक है। तो क्या ऐसा क्या होगा, तो अगर बी ए बी है तो हम क्या करेंगे कि जब बी आ बी जो है उसको पुट कर दिया, ठीक है, और जैसे ही उसके बाद ए आया तो ए ने क्या किया, उस क्या कहते हैं बी को निकाल लिया, ठीक है। और नेक्स्ट जब जैसे ही वो ए आएगा, सही हो गया सही हो गया। हाँ जैसे फिर इतना ही जैसे होना है। हाँ फिर जैसे नेक्स्ट ए आएगा वो क्या करेगा, वो फिर एक वो फिर देखेगा कि भाई, हाँ नहीं नहीं सॉरी, वो जब ए आएगा ना, ये वाला ए आएगा तो वो देखेगा कि भाई बी मौजूद है, बी मौजूद होगा, ठीक है। फिर जब उसके बाद, फिर उसके बाद हम दोबारा ए चलाएंगे। अब वो ए दोबारा क्यों चलाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ भी दरमियान में हमेशा दो इस तरह की चीज़ें आनी लाज़मी है। प्रिंट रो में क्या होगा, दो इस तरह, अब देखो यहाँ पे भी ऐसा चीज़ है, यहाँ पे दो ऐसे ए आ रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर बी ए बी करता हूँ, ठीक है, और ए करता हूँ बी ए बी, यानी कि दरमियान में अगर जब दो स्ट्रिंग आपस में यहाँ पे दरमियान में आ रही है, उसमें हमेशा दरमियान में दो वेरिएबल सेम के सेम होते हैं। अब इसको मैं बताता हूँ कि क्या चीज़ है। अब ये देखो ये बनाया ए बी बी ए, ठीक है। अब क्या होगा कि ए जाएगा और बी भी जाएगा। अब क्या होगा, जैसे ही वो देखेगा कि भाई क्या हमारे पास ए आया और वहाँ पर ए मौजूद है, अगर ए मौजूद है तो वो ए को निकाल देगा। फिर उसके बाद देखेगा क्या हमारे पास बी आया, हाँ पहले देखेगा बी आया और बी मौजूद है, बी निकाल देगा। फिर देखेगा क्या ए आया, ए मौजूद है, ए निकाल देगा। यहाँ पे देख ए आया और बी आया, ए आ गया और बी आ गया, ठीक है, ये वो चीज़ इसके ज़रिए। उसके बाद देखिएगा कि भाई ये वाली वैसे ही लैम्डा बनाती है, इसका कोई मकसद नहीं इतना। उसके बाद उसने देखा कि अब ये देखा इसने बी आया, अब क्या इसमें बी मौजूद था, अब उसने बी निकाल दी, क्योंकि जितने हमारे पास एंटर हुए उतने हमारे पास बाहर निकलने चाहिए, ये बन जाती है इसमें। तो मैं समझा तो फिर यानी कि ये एक स्टेट के ऊपर दो कंडीशनों को चेक कर रहा है मेरी जान। हाँ, अब वो क्या करे, दो अल्फाबेट को अंदर लेके जा रहा है, ठीक है। दो हाँ हाँ उसके बाद जैसे सेम अल्फाबेट आता है अगला, क्योंकि कभी ऐसा नहीं होगा, जैसे अब फर्क करो ए बी ए और अगला ए बी ए, हमेशा मैंने कहा था ना दरमियान में दो अल्फाबेट सेम आते जाएंगे, ठीक है। जैसे सेम अल्फाबेट दोबारा आएगा वो क्या कहेगा, उसको नेक्स्ट उस पर ले जाएगा, स्टेज पे ले जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट स्टेट पे ले जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेट पे लेके जाएगा, जब से वो इस ए पे आएगा वो, अब इसका मतलब ये हुआ कि इसके पिछले भी जितने भी होने चाहिए वो भी उसके अगले वाले के बराबर होने चाहिए, ठीक है, ए भी। अब ए आया, इसका मतलब ये वाला ए होना चाहिए हमारे पास यहाँ पे, हमारे पास ए, अगर ए ये एक का ए आया फर्क पड़े, ये वाला ए आया, ठीक है, और दूसरा हमारे पास ए, यानी कि ये वाला फर्क पड़े, ये वाला पीछे वाला ए हमारे पास यहाँ पे ए इंक्लूड था, यहाँ पे ऐसे होगा ना, ये ए या मैं तो हाँ यहाँ पे ए आ गया यहाँ बी बी आ गया और ठीक यहाँ है पे यहाँ ऐसे बी आ गया, ठीक है। वहाँ पर यहाँ पे ए मौजूद था और यहाँ पे भी ए आ गया, तो क्या होगा, लैम्डा आ गया, यानी कि ए कैंसिल हो गया यहाँ से।
अभी ये एरो आ गया इधर, ठीक है। अब उसके बाद क्या नाम है, वो बीपी आया, अब बीपी आया, अब उसने देखना क्या बीपी था, हेड बीपी था, तो फिर उसने यहाँ ख़त्म कर दी। उसके बाद उसने देखा कि भाई अब ए की तरफ आया, अब देखा कि भाई ए ही है और ए ही है, और उसने कहा हाँ ए ही है, तो ख़त्म कर दी। अब यहाँ पे उस, यहाँ पे आ गया हमारे पास नाल पे, उसके बाद यहाँ पे जैसे नाल पे आया यहाँ चीज़ ख़त्म हो गई, और यहाँ पे नाल और वही जेड, और उसके बाद एरो, और यहाँ पे आ गया जेड, और हमारी बन गई एक्सेप्ट स्टेट। ठीक हो गया, समझ आ गई, समझ आ गई ना। ये देखो अभी यहाँ पे नीचे करते जाएंगे ना, ये देखो मैम ने यहाँ पे ए ले लिया, फिर बी ले तू लिया, ऐसे स्टेप, हाँ तू ऐसे स्टेप चला ऊपर कर हाँ वापिस। ए ले लिया, अब बी ले लिया, ठीक है। पहले पहला जब ए चला था तब मैम ने इस वाले के जरिए ए इनपुट किया, और जब बी चला फिर इस वाले के जरिए बी इनपुट कर दिया। अब मैंने क्या कहा था कि हमेशा जब भी पैलिंड्रोम वाले सेंटेंस होंगे ना, उसमें दरमियान में दो दो सिंपल दो सेम आ जाएंगे, जैसे दो सेम आए दोबारा से बी आ गए, दोबारा से बी, तो इससे पहले से बी इंक्लूड था, उसके बाद चल गया भाई दोबारा से बी आ गए, दोबारा से बी आया तो उसने क्या किया स्टेट चेंज कर ली, स्टेट चेंज किए तो उसने क्या किया यहाँ पे आ गया बी पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बी था ना, बी पे आ गया। अब उसने देखा यहाँ पे बी मौजूद था, अब इसके बी पे यहाँ पे बी होना चाहिए, इसके बी पे यहाँ पे अगर ए है तो मतलब ये रिजेक्ट स्टेट होगी, क्योंकि पैलिंड्रोम में यही है ना कि जैसा सीधा पढ़ो वैसे उल्टा होना चाहिए, तो इसलिए इसके बी पे यहाँ पे भी हमारे पास बी ही होना चाहिए। अगर हमारे पास यहाँ पे बी था तो उसने ओके किया, लैम्डा आ गया यहाँ से निकल के नीचे आ गया। अब उसने देखा ए आया, अब यहाँ पे भी हमारे पास ए ही था, ओके किया यहाँ से उसने, ए यहाँ से लिया, ए यहाँ पे मैं मिल गया, यानी बराबर हो गया, लैम्डा आ गया, ओके हो गया। इधर 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 असल में ये चीज वो चेक कर रहा है, यहाँ पर वो पॉलिंड्रोम को चेक कर रहा है, यहाँ पर वो हाँ ये नहीं चेक कर रहा कि भाई वो अगर 4 टाइम्स ए है तो 4 टाइम्स बी है, हाँ वो नहीं ये नहीं चीजें इसमें चेक कर कंडीशन रहा है। दूसरी है। हाँ इधर कंडीशन पॉलिंड्रोम है, अगर फॉर मैंने एग्जांपल भी ए बताया था ना इसमें बी कंडीशन, है। कंडीशन क्या होगी कि हमेशा जो जो मर्जी पैलिंड्रोम तो बता दे, जो चलो कर लो जी बी ए बी ए, ठीक है, आइए बी ए बी ए, अब ए बी ए बी, ठीक है, हमेशा पैलिंड्रोम के दरमियान में जो कोई भी ऐसा आ जाना है कि जिसमें दो अल्फाबेट सेम आ जाने, ठीक है, जैसे दो अल्फाबेट सेम आएंगे तो क्या होगा कि वहीं से स्टैक टूटेगी। अब क्या होगा कि स्टैक चेक करना शुरू कर देगी कि जो अल्फाबेट यहाँ पे आया है वही अल्फाबेट स्टैक में मौजूद है, अगर मौजूद है तो ठीक है, नहीं इसका मतलब ये पैलिंड्रोम नहीं है ये, और ये मौजूद होगा क्योंकि पहले बी जाएगा इसमें, फिर ए जाएगा, फिर बी जाएगा, फिर ए जाएगा, और उस पर जब जैसे ए ही जाएगा ए फिर आएगा एंड पे बी जाएगा। तो ए निकलेगा, फिर बी निकलेगा, फिर ए निकलेगा, फिर यहाँ पे बी ही निकलेगा, तो इसका मतलब हमारी ये पैलिंड्रोम ही, अगर यहाँ पे कोई ऐसी पैलिंड्रोम ना, तो जो पैलिंड्रोम नहीं है, फर्स्ट मैंने बनाया ए बी, यहाँ बना दिया ए बी, ठीक है। अब ये पैलिंड्रोम है नहीं है, ये पैलिंड्रोम नहीं है, अगर मैं इसको पढ़ता हूँ ए बी उल्टा पढ़ो क्या बनता है, उल्टा पढ़ो तो ये बन जाता है बी ए बी ए, तो इसका मतलब क्या हुआ ये हमारा पैलिंड्रोम नहीं है, और जैसे यहाँ पे जाएगा तो उसके बाद ए जाएगा, फिर बी जाएगा, फिर ए जाएगा, फिर बी जाएगा, उसको तो रुकने का वक्त ही नहीं मिलेगा, वो तो उधर ही इधर ही ख़त्म हो जाएगा, उसने यहाँ पे रिजेक्ट मार देंगे, समझ गया ना यहाँ पे। अच्छा जी ओके, चलिए भाई ये भी वही अभी जा रहा है, मैं तो कहना थोड़ी थोड़ी देर तक फजर दिन मार भी घूमते करा लेने हैं। फजे जमात जमात ही करा ली है, अजान ही रोजी दे दें रूम के अंदर ही। अच्छा अब ये देखो, अब वो चेक कर रहा है कि इसमें ये ट्रू हो सकता है कि नहीं, कि क्या उसने यहाँ वैल्यू चेंज कर दी, हमने ए बी बी ए बी कर दिया। अब क्या होगा कि जैसे ही वो यहाँ पर आया उसको एक बी की जगह बी मिल जाए।